Hello everyone, welcome to Erudite Political. My name is Udbasrash Sheikh and in this video lecture we will be covering the fourth unit of our UGC NET JRF paper first, that is communication. देखिए जो यूनिट फोर्थ कम्युनिकेशन है ना ही वो बहुत ज्यादा टफ टॉपिक है ना ही वो बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है और ये बहुत एक स्कोरिंग यूनिट है। अगर आप पेपर फर्स्ट का सिलेबस देखिए, स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि ये बहुत स्टैटिक यूनिट है। देखिए इसमें कोई भी करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन नया ऐड नहीं होगा, बहुत ही प्रिसाइज सिलेबस है। अगर आप इसे ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे सो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर सही दे सकते हैं। और हर साल आप किसी भी सेट में देख लीजिए, कम्युनिकेशन का तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर सेट में हर साल पेपर में होता ही है, पेपर फर्स्ट में नेट के। सो क्यों ना हम इसको इतने अच्छे से करके जाएं कि इसका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और अच्छे से अपना पेपर वन का स्कोर इनहैंस कर पाए। सो देखिए जो यूनिट फोर्थ है उसमें ना 4 सब टॉपिक्स डिवाइडेड हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन, इट्स मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। देन द सेकंड टॉपिक इज अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें आपके बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाएंगे, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन। जो थर्ड टॉपिक है दैट इज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड द फोर्थ टॉपिक इज The newly added topic that is mass media and society. So ये तो हो गई पूरे यूनिट कम्युनिकेशन की बात। अब हम आज के वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं that is the first topic of this unit, that is meaning and characteristics of communication. So इस टॉपिक में भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आपका फर्स्ट टॉपिक तो फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पहली चीज तो हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है। दूसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कम्युनिकेशन प्रोसेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता क्या है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब लोग कौन से मीन्स यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि आजकल देयर आर वेरियस मीन्स टू कम्युनिकेट। उसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो के लिए वो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, एक सोसाइटी में कम्युनिकेशन का क्या फंक्शन होता है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कि कम्युनिकेशन होता क्या है। देखिए व्हाट इज कम्युनिकेशन। देखिए आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, आप एक सपना देख रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से आर्ग्यू कर रहे हैं किसी डिस्कशन में, या फिर आप एक पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, इवन आप टीवी वॉच कर रहे हैं या आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं यूट्यूब की। दीज आर ऑल वेरियस काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग अपनी डेली लाइफ में इंगेज रहते हैं 24 आवर्स, राइट। और इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो आइडियाज हैं या अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम लोग कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हैं, उससे हम लोग कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज कर रहे हैं किसी और के साथ, ईदर टू सेटिस्फाई आवर ओन नीड्स और टू गेट आवर वर्क डन। सो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो कम्युनिकेशन है वो एक इंसान की जिंदगी का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। इनफैक्ट एक कोई भी सोसाइटी है वो कम्युनिकेशन के बगैर सरवाइव कर ही नहीं सकती। देयरफॉर कम्युनिकेशन इज वाइटल फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड ऑल्सो फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी। सो नो पर्सन, नो ग्रुप और सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट इंटरेक्शन विद अदर्स। Now communication is also said that communication में exchange होता है ideas का between two persons. Now most communication takes place through verbal means, मतलब spoken words का use किया जाता है। That apart from this verbal means के अलावा non verbal communication का भी use करते हैं लोग, that is by using written words, sounds, gestures and postures, पिक्चर्स, डायग्राम्स। तो ये सब जो है ये एग्जाम्पल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। ना देखिए सो टू बी प्रिसाइज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सच दैट द पर्पस और इंटेंशन इज फुलफिल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सो देखिए इन सिंपल वर्ड्स इट इज नथिंग बट द प्रेजेंटेशन ऑफ आवर व्यूज बाय द सेंडर, और वी कैन से बाय द सेंडर इन अ वे दैट इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। मतलब हम लोग जो भी हमारे थॉट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, आइडियाज है, उसको ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जो रिसीवर है उसे भी वो एग्जैक्टली इन द सेम मैनर समझ में आ रहा है जो हम लोग अपना कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। जो मीनिंग है वो सेम है, वो बदला नहीं है। So therefore, communication is the process of passing of information and understanding from one person to another, and it is essentially sharing of information or some message. इस message में information भी हो सकती है या फिर कोई भी informal thing भी आप exchange करते हैं। So अगर मैं communication को three पॉइंट्स में समराइज करूं, सो दैट कुड बी कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि कम्युनिकेशन में हम लोग इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कम्युनिकेशन इज गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कम्युनिकेट करने के लिए सिर्फ आप सेंडर ही हो, आप रिसीवर भी हो सकते हो। और दिस इज द रीजन वाई इट्स सेइंग कि आप कम्युनिकेशन इज गिविंग ऑल्सो एंड रिसीविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। Now apart from this, the third thing is that is communication is the transfer of information from one or more people to one or more number of persons. जरूरी नहीं है आप इंडिविजुअल लेवल पे कम्युनिकेट करो किसी आदमी से, आप इंडिविजुअल हो के आप बहुत सारे लोगों से एक साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड सेम गोज वाइस वर्सा। सो दिस इज द थिंग। नाउ अपार्ट, अब हम लोग ने मीनिंग तो डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, अब जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, सो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है रिलायबिलिटी। देखिए, रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन की, बिकॉज द सेंडर, यू नो, जो भी सेंडर है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, वो बहुत श्योर होना चाहिए अपने एंड पे कि जो भी वो मैसेज कन्वे कर रहा है वो बहुत ही करेक्ट मैसेज है उसकी नॉलेज के हिसाब से। और जो रिसीवर है उसको भी सेंडर के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि वो जो मैसेज दे रहा है वो उसको उसके ऊपर वो रिलाई कर सकता है, क्योंकि अगर रिलायबिलिटी नहीं होगी सेंडर और रिसीवर के बीच में, सो कम्युनिकेशन प्रोसेस विल नॉट बी अ इफेक्टिव वन। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट जो मैसेज होना चाहिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो बहुत कंप्लीट होना चाहिए। सो बेसिकली कम्युनिकेशन इज द बेस फॉर डिसीजन मेकिंग। इफ द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, इट मे लीड टू रॉन्ग डिसीजंस। मतलब कहने का ये है कि देखिए, कम्युनिकेशन कभी कभी एक जरिया भी होता है कि लोग अपना डिसीजन मेक करते हैं उस मैसेज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, मेरे जो भी सुपरवाइजर हैं उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी, पर उन्होंने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी वो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। सो मैं जो अब डिसीजन लूंगी उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो करेक्ट डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई, कंप्लीट मैसेज ही नहीं आया। सो इसीलिए कम्युनिकेशन अगर कंप्लीट नहीं होगा तो रॉन्ग डिसीजंस भी कम्युनिकेशन की वजह से हो सकते हैं। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट क्लियर मैसेज। सो जो मैसेज होना चाहिए वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए और शॉर्ट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है और मतलब बहुत ही वेग और बहुत ही वेग मैसेज होता है जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है रिसीवर के एंड पे, सो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। सो देयरफॉर द मैसेज व्हिच द सेंडर वांट्स टू कन्वे मस्ट बी सिंपल, इजी टू अंडरस्टूड एंड सिस्टमैटिकली फ्रेम टू रिटेन इट्स मीनिंगफुलनेस। Now the next characteristic of communication is that it is a continuous process. By continuous process I mean to say कि जो communication का जो process है, जो act है, वो एक continuous act है, क्योंकि हम लोग in a continuous form अपनी information को exchange कर रहे हैं लोगों के साथ, ideas को exchange कर रहे हैं, और ये जो exchange of ideas या exchange of information का जो act है, that is itself a continuous process. That means it is a dynamic process and not a static one. So communication is a continuous process. Now apart from this, next characteristic is that communication is a two-way process. So by two-way process I mean to say that communication सिर्फ one-way process नहीं होता कि मैं sender हूँ, मैंने कोई चीज बोल दी, आप receiver हो अपने end पे and you receive that. It's not only that process. इसके साथ एक और प्रोसेस का चलता है, दैट इज अबाउट द फीडबैक प्रोसेस। सो अगर जो भी सेंडर है वो रिसीवर को मैसेज देता है, और फिर जो रिसीवर है वो अपने एंड पे एक फीडबैक भी देता है सेंडर को कि जो मैसेज है वो उसे समझ में आया कि नहीं आया, अगर आया तो क्या उसमें अच्छे पॉइंट्स थे, क्या बुरे पॉइंट्स थे, और अगर उसमें कोई शॉर्टकमिंग्स हैं या उसमें कोई और उस मैसेज में अगर कोई शॉर्टकमिंग्स हैं तो वो भी रिसीवर बताता है अपने फीडबैक में सेंडर को, ताकि वो अगली बार कम्युनिकेशन प्रोसेस में, वो मैसेज में और वो प्रोसेस में जो भी कमियां हैं उसे इम्प्रूव कर सके। देयरफॉर कम्युनिकेशन इज अ two-way process. Now the next characteristic is that it can be conducted by gestures. So by that I mean to say that communication necessary नहीं है कि आप सिर्फ लिख के बताओ या फिर बोल के बताओ. कभी कभी ऐसा होता है आप लिखते भी नहीं है, आप बोलते भी नहीं है, बट आपके कुछ जेस्चर्स होते हैं, हैंड मूवमेंट्स हुए, आईज एक्सप्रेशंस हुए, फेशियल एक्सप्रेशंस हुए, बॉडी जेस्चर्स हुए, जिससे काफी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हैं. सो देयरफॉर कम्युनिकेशन कैन बी कंडक्टेड बाय जेस्चर्स आल्सो. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट कम्युनिकेशन वेरियस टाइप्स का होता है. दैट मीन्स कम्युनिकेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. डिफरेंट टाइप्स का मेरा कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन को ब्रॉडली आप डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वर्बल, नॉन वर्बल, फिर ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन से इन्वॉल्व आप उसे डिवाइड कर सकते हैं कि वो इंटरपर्सनल है या इंट्रापर्सनल है या ग्रुप कम्युनिकेशन है. उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस एनवायरमेंट में कंडक्ट किया जा रहा है. सो दैट कैन बी फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑल्सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन जो एक आप ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टेक प्लेस होता है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो आप अपने पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ करते हैं. So now these were all the characteristics of communication. Now we will be discussing about the process of communication. देखिए जो communication का process है उसमें सबसे पहली जो चीज होती है that is communicator. Now communicator कौन होता है? देखिए communicator को हम लोग sender भी कहते हैं और encoder भी कहते हैं, और यही वो person है जो message को initiate करता है, communication process को initiate करता है. And before one speaks or writes, the message is conceptualized first and then encoded by the communicator. So basically ये बहुत ही important component है communication process में. और communicator या फिर जो sender है उसकी जो ability होती है to think, to organize thoughts quickly and to express himself effectively are some of the attributes of a good कम्युनिकेटर. और अगर जो कम्युनिकेटर है उसकी स्किल, नॉलेज लेवल और एटीट्यूड जो बहुत ही हाई लेवल का है, तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस भी होगा वो काफी फ्लूइड और काफी इफेक्टिव होगा. एंड एट द सेम टाइम अगर कम्युनिकेटर के पास कम्युनिकेशन स्किल की टेक्निक ज्यादा अच्छी नहीं है, या फिर उसका नॉलेज लेवल मैसेज के जो मैसेज वो भेज रहा है उससे रिलेटेड ज्यादा हाई एंड पे नहीं है, सो कम्युनिकेशन प्रोसेस काफी इफेक्टिव नहीं रहेगा. Now apart from this, the second thing that is in the process of communication comes the encoding part. So देखिए encoding is the formulation of message in the communicator's mind, and that is the communicator not only that translates his purpose, that's like maybe it's जो भी उसके idea होंगे, thought होगा या information होगी into a message, but also decides कि कौन सा medium उसको use करना है communicate करने के लिए. So after encoding comes the third thing that is a message important. That is a message. So a message is an important thing in a communication process, and I can say the most important because देखिए message. So basically a message is what a communicator actually produces for transmission by using spoken or written words, photographs, paintings, films, poster, etc. So जितनी भी basically we can say that a great deal of skill and effort is required to formulate a message, and the meaning of which should be understandable to the receiver. मतलब जिसको वो message भेजना चाह रहा है at the end, that is the receiver. Now apart from this, the next thing in the communication process after the message comes a channel. So firstly there is a sender, communicator, उसके बाद आता है encoding, उसके बाद आता है message, और उसके बाद आता है channel. Channel वो चीज है जिससे वो message पास होगा. So basically चैनल को आप कह सकते हैं that a channel is the vehicle through which a message is transferred from the communicator to the receiver. और ये जो चैनल है कम्युनिकेशन का वो रिटन भी हो सकता है, वो वर्बल, नॉन वर्बल, मास मीडिया भी हो सकती है, लाइक टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, आजकल के जमाने में न्यू मीडिया इसमें आप यूज कर लीजिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी चीजें आप लोग यूज कर सकते हैं एज अ चैनल फॉर कम्युनिकेशन. Now after the channel comes the receiver. So देखिए receiver at the other end of the communication is the recipient of the message. मतलब वो message को receive कर रहा है, and he must possess the same orientation as the communicator. क्योंकि अगर receiver के पास वो ability नहीं है कि वो message को वो सुन पाए या read कर पाए या सोच पाए कि उसमें क्या लिखा गया है, सो कोई फायदा नहीं होगा उस मैसेज को कम्युनिकेट करने का। अगर हमने पहले जो बात की थी कि कम्युनिकेटर की जो सेंडर की जो स्किल्स है वो इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। सो एट द एंड रिसीवर की भी स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। So basically, receiver is at the other end to receive the message that has been sent to him by the sender. अब जब रिसीवर वो मैसेज को रिसीव कर लेता है उसके बाद वो मैसेज को डिकोड करता है कि उस मैसेज में क्या है, क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, वो जो सेंडर है वो क्या बोलना चाह रहा है। और वो कहीं ना कहीं डिपेंड भी करता है कि जो रिसीवर है उसका स्टेट ऑफ माइंड, उसकी स्किल्स क्या है। Therefore the next thing is decoding. So decoding is the interpretation of the message by the receiver, and it's actually the receiver looks for the meaning in the message, which is common to both the receiver as well as the sender, or we can say the communicator. Now after decoding comes the important step in the communication process, that is feedback. So देखिए feedback क्या होता है। फीडबैक एक रिस्पॉन्स होता है या फिर एक एक्नॉलेजमेंट होता है फ्रॉम द पार्ट ऑफ रिसीवर टू द सेंडर कि जो भी उसे मैसेज मिल गया है। अब उस मैसेज पे उसका क्या रिस्पॉन्स होगा वो भेजता है कि उसे वो मैसेज अच्छे से समझ में आया नहीं आया, अगर नहीं आया तो क्या शॉर्टकमिंग्स थी उस मैसेज में जिससे सेंडर को अगली बार मैसेज भेजने में इम्प्रूव करना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड द फीडबैक। सो देयरफोर ये जो फीडबैक होता है ना इसे इसलिए और इम्पोर्टेंट कहा जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, बिकॉज it provides the communicator an opportunity to improve and make his communication effective. So therefore feedback does provide an opportunity to evaluate what is right and what is wrong in a communication process. Now after discussing about the entire process of communication, I hope आपको समझ में आया हो। This is my first video, so I'm a bit nervous, but I hope आपको चीजें समझ में आ रही हो। So now we will be further moving towards means of communication. देखिए मीन्स मतलब कौन से वेरियस टूल्स हैं जो एक कम्युनिकेटर यूज करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। सो देयर आर वेरियस टूल्स एंड मीडिया व्हिच सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। सो द फर्स्ट मीन इज साइंस एंड साउंड्स। सो जब पुराना टाइम था, प्रिमिटिव टाइम्स दैट वी कैन से, और द एंशिएंट टाइम्स, सो उसमें जो ह्यूमन बीइंग्स होते थे ना दैट यूज्ड टू कम्युनिकेट बाय यूजिंग सिंपल साइंस फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि तब लैंग्वेज का डिस्कवर नहीं हुआ था, क्योंकि तब लैंग्वेज की डिस्कवरी नहीं हुई थी। सो उस टाइम पे बॉडी लैंग्वेज और जो भी नॉन वर्बल लैंग्वेजेस थे जैसे कि यूज करते थे फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, म्यूजिक, सॉन्ग्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, जैसे आपको केव्स में जो मिलती हैं, और जैसे कि हम लोग जब केव्स में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं। सो दीज वर यूज इन डिफरेंट सोसाइटीज। And apart from this, the second means is language. So after some times, language discover हो गई थी. So a number of languages. So therefore, a number of languages and dialects are used for communication purposes all over the world. और अगर इंडिया में ही बात करें तो इंडिया में there are 22 languages जो हमारे 8th शेड्यूल में of the Indian Constitution में enlisted हैं। Now apart from that, देखिए लैंग्वेज ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, क्योंकि अगर आपकी कॉमन लैंग्वेज है कम्युनिकेटर और सेंडर की जो, सो कम्युनिकेशन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूरा लेक्चर बहुत ही एडवांस इंग्लिश में दूँ और जो मेरे रिसीवर हैं दैट मीन्स मेरे व्यूअर हैं उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, सो चाहे मैंने कितना भी अच्छा पढ़ाया हो बट वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि जो रिसीवर है उसे वो चीज समझ में ही नहीं आई होगी। सो लैंग्वेज डू मैटर। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज द पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम को काफी यूज किया जाता था पहले के जमाने में। इवन इट इज प्रिवेलेंट इन टूडेज टाइम ऑल्सो। सो जो पोस्टल सिस्टम है वो बहुत ही मोस्ट वाइटल नेटवर्क है फॉर पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, and it serves as the focal point for communication at a distance throughout the world. Even though now apart from postal system, the next is telephone. So telephone is one of the most interpersonal communication में use किया जाता है telephone network, and कोई भी media other and no other media can match the telephone for direct and spontaneous communication. So the how further telephone has been quite rapid in our country in recent years. So yes, अपार्ट फ्रॉम दिस द नेक्स्ट मीन्स इज मास मीडिया। देखिए मास मीडिया का इन्वेंशन हुआ प्रिंटिंग प्रेस से, देन केम्स द रेडियो, टेलीविजन एंड नाउ द न्यू मीडिया, जिसमें वेरियस सोशल मीडिया साइट्स आ जाती हैं जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और भी बहुत ही वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया। सो ये जो इन्वेंशन था ये बहुत ही इसने ना बहुत ही कम्युनिकेशन प्रोसेस को बहुत रेवोल्यूशनाइज कर दिया, क्योंकि पहले ये सोचा जाता था कि जो डिस्टेंस है उसमें कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टेंस को कवर करने के लिए कोई मीडियम नहीं था, बट मास मीडिया ने ये डिस्टेंस को कवर किया, राइट। सो इसीलिए इसने कम्युनिकेशन प्रोसेस को ही रेवोल्यूशनाइज कर दिया। मैं एक जगह से बैठ के हजारों लोगों को पढ़ा सकती हूँ, और अगर आप पहले सोचे तो ये पॉसिबल नहीं था, बट विद द इन्वेंशन ऑफ मास मीडिया दिस हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Now apart from this सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। सो द सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन हैज ओपन्ड न्यू हॉरिजन्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड सैटेलाइट्स हैव ब्रॉट द एंटायर वर्ल्ड टुगेदर। सो यस, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन का क्या फंक्शन होता है, अब हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन जो हमने दिया है, हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है इंडिविजुअल को एज वेल एज कलेक्टिव एक्टिविटीज ऑफ शेयरिंग आइडियाज, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। सो कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है वेरियस सोशल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस। सो अब हम लोग एक एक करके जो भी मेन फंक्शन है कम्युनिकेशन का वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो फंक्शन है दैट इज इन्फॉर्मेशन। सो कम्युनिकेशन रिफर्स टू कलेक्टिव स्टोरेज एंड डिस्सेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर वाइडर यूटिलाइजेशन बाय द पीपल। देखिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कम्युनिकेशन का, बिकॉज इट इनेबल्स पीपल टू पार्टिसिपेट इन एंड टेक इंटेलिजेंट डिसीजंस ऑन एनी इश्यूज ऑफ सोशल रेलिवेंस। एंड ऑल्सो अगर आप इन्फॉर्म रहते हैं सो आप काफी आप काफी करेक्ट डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक है, अगर आप इन्फॉर्म ही नहीं है कि इसके प्रिकॉशंस हैं हैंड वॉश करना, मास्क लगाना, सो वो काफी हार्मफुल रह सकता है। और अगर आप वेरी वेल इन्फॉर्म्ड है अबाउट एवरीथिंग सो आप उस चीज से बच सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कम्युनिकेशन का। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है कम्युनिकेशन का दैट इज सोशलाइजेशन। सो इसमें क्या होता है ना, सोशलाइजेशन में बेसिकली कम्युनिकेशन हेल्प करता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो एक सोसाइटी के एक्टिव मेंबर बने और बहुत ही हेल्पफुल मेंबर करें। सो अगर आपका सोशलाइजेशन अच्छे से हुआ है, और सोशलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जो सिंस बर्थ से स्टार्ट होता है, सिंस छोटे पे आप फैमिली सोशलाइज करती है, उसके बाद आप स्कूल में जाते हैं, सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोशलाइजेशन का रोल प्ले करते हैं, एंड उसके बाद आपके ऑफिस, एंड दिस इज अ वेरी लॉन्ग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सो हैविंग एक्सेस टू वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो जितने भी लोग आपको से आप मिलते हैं, यू गेट अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड अप्रिशिएट अदर्स फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज एंड एक्सपेक्टेशंस इन अ सोशल सिस्टम। देयरफॉर अगर सोसाइटी में इंडिविजुअल्स का अच्छा सोशलाइजेशन होगा सो सोसाइटी कैन बी अ वेरी मच कंस्ट्रक्टिव वन। Apart from this, the next function is motivation. So when we talk of motivation, so motivation of the individual members of a society plays an important role for its development. Society के development का भी इस पे फर्क पड़ता है। So communication fosters the individual and community activities and motivates the people to meet goals which have been mutually agreed upon. Well-informed and individuals take the initiative of social welfare. So yes. Apart from this, the next function of communication is education. So dissemination of information enhances the individual's intellectual development and helps one acquire the skills and aptitude that is required to become a productive member of a society. So in this way communication and education are two sides of the same coin. Now the जो quality एक education की होती है ना वो बहुत depend करती है कि जो communication है उसकी quality क्या है, that is between the members and the society. Now the next function of communication is entertainment. So entertainment की बात करें so entertainment and recreation. सो एंटरटेनमेंट की बात करें सो एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन आर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी हेल्दी। So people find enjoyment and entertainment through various communication activities like dance, drama, sports, music, etc. So these means of communication provides personal and also collective enjoyment to individuals. So yes, these were all the major functions of a communication process. Now so yes, this was all for today's video जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी. कम्युनिकेशन का मीनिंग डिस्कस करा, उसका प्रोसेस डिस्कस करा, मीन्स डिस्कस करे एंड फंक्शंस डिस्कस करे. सो यस, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें and do provide your feedback in the comment section for the more upcoming videos. Thank you.